अरे आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? थोड़ा जरूरी काम है। थैंक्स फॉर द कॉफी। कोई बात नहीं। काल मंडरा रहा है हवेली पर, काल मंडरा रहा है। इस हवेली पर कोई दुविधा है जो आसानी से नहीं मिटने वाली। इस संकट का निवारण करना बहुत मुश्किल है। इस हवेली पर बुरी शक्ति का साया है। अगर जल्द ही इस संकट का हल नहीं निकाला तो इसका प्रकोप बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये सबका सर्वनाश कर देगा। इसका दुष्प्रभाव घर के सारे लोगों का, गांव के सारे। हेलो, रवि। रवि क्या हुआ मुरली, क्या बात है? अरे अर्जेंट है, अब भी नीचे आ जा। अरे पर हुआ क्या? पहले नीचे तो आओ ना, फिर बताता हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। ये हमेशा कहते थे कि मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं और इनको मैंने कभी नौकर नहीं अपने सगे भाई की तरह माना था, सगे भाई की तरह। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, इन्हें जिसने भी मारा है ना, मैं उसे सबके सामने ले आऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन तीनों की कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया जरा सुनना, हमारे महल में कल रात आप में से कौन आया था? कल तो राजमहल में सुबेर गया था। अरे ओ सुबेर, तुझसे मिलने के लिए कोई राजमहल से आया है। क्या कहा? भाग क्यों रहा है? साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। सच सच बोल, राजमहल में क्या देखा था तूने और डर के भागा क्यों था? साहब, उस राजमहल में कोई मत रहना, तुरंत खाली कर देना वरना कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? उस राजमहल में एक बुरी आत्मा का निवास है, मैं काली माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा साहब। जब कल रात को मैं राजमहल की तरफ गया और सबका सर्वनाश ये धीरे धीरे करेगा। नहीं, इसका नहीं, नहीं, सारे उसने एक वैश्य की तरह उसका शिकार किया साहब, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा।
ये बता, तो पहचान पाएगा वो कौन है? वो बहुत मुश्किल है साहब, लेकिन इतना तो है कि वो आत्मा एक औरत के शरीर में घुसी है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं लगती, बहुत क्रोधित थी जो आसानी से दिखाई भी नहीं देगी। ये लीजिए साहब, ये अंडा अभूरी आत्मा की पहचान के लिए शमशान में सिद्ध किया हुआ है। आप इसे महल में ले जाइए, वो आत्मा किसके शरीर में है इससे उसकी पहचान हो जाएगी। क्या कहा, ये मामूली अंडा? ये मामूली नहीं है साहब, ये आत्मा को देखते ही असर दिखाएगा। वैसे भी 3 लोग मर चुके हैं, आप ले जाइए साहब। जी साहब, इस दुनिया में हमारी सोच से बाहर बहुत सारी शक्तियां हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उनका अस्तित्व है। हमारे इस घर में आने से पहले ही खाना बनाने वाला कहीं भाग गया था सर, और हमें लगा कि ड्राइवर भी कहीं दारू पीकर पड़ा होगा, और वो नौकर, वो तो कल रात से ही गायब था। ये सब तो हमारे लिए शॉकिंग है। घर के लोगों को बुलाओ, एक एक करके पूछताछ करते हैं। हम पे शक कर रहे हो क्या? अरे वकील साहब खुद आ गया, इन्हीं से पूछ लो। देखो ये पुलिस का प्रोसीजर है, कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है? लेसन लेसन लेसन, रुक जा रुक जा, अबे रुक जा।
सारे गंदे कपड़े लेके कहाँ जा रहा है? नदी किनारे जा रहा है क्या? नदी किनारे? बस कल ही पता चला है कि तीन नौकरों को किसी ने मारकर नदी किनारे फेंक दिया है। मछलियाँ भूखी होंगी इसलिए किसी ने चारा फेंक दिया। अरे मरने वाले तीन लोग इसी महल के नौकर थे। अच्छा। अब तुम और मैं ही बस बच गए। ओए, वो सच के नौकर थे, हम तो डुप्लीकेट हैं। ये हम जानते हैं ना, वो भूत को थोड़े ना पता है। बात समझ, ये केस खत्म होने तक इस घर को छोड़कर बाहर कोई नहीं जा सकता, इसलिए तो पूरा परिवार अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। और अब अगर हम बाहर गए तो पुलिस को हम पर डाउट हो जाएगा। इसे चल अंदर जा। हाँ, वो नौकर और वो छोटी सी बच्ची हमेशा देवी दीदी की बात करते थे। आओ ट्राई करते हैं। अरे रुको रुको, अरे इसे धक्का मत दो, इस तरफ करो। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। सर क्या कर रहे हैं आप? सर तीन बॉडी है, आप कुछ भी करेंगे तो भी जल्दी नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए सर। हाँ भाई, देवी नाम की लड़की की जांच की है। पुलिस रिकॉर्ड में देखने के बाद पता चला कि 5 साल पहले देवी नाम की एक लड़की मंदिर से गहने चुराकर यहाँ से भाग गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। बस इतनी ही जानकारी मिली। उस लड़की के घर वाले ये देवी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमारे महल के तीन नौकरों का खून हो चुका है तो सोचा देवी का कुछ कनेक्शन। पुजारी के घर थी वो देवी? उस चोर ने तो गाँव का नाम बर्बाद कर दिया था। देवी बहुत अच्छी थी, वो लोग बता रहे हैं वैसी नहीं थी। आप कौन? मैं इस गांव के पुजारी की बेटी हूँ। देवी को मेरे पिताजी ने गोद लिया था। मैंने और उसने भले ही एक ओक से जन्म ना लिया हो लेकिन उसका और मेरा रिश्ता सगी बहनों से कम नहीं था। शहरी बाबू जो आ रहा है उसे पक्का भगा देगी ना? ये कैसा सवाल है, तू भूल गई है क्या? अब तक मैंने 52 लड़कों को रास्ते से ही भगा दिया है तो ये कैसे बचेगा? पिताजी बता रहे थे कि लड़का बहुत पैसे वाला है, कार से आ रहा है। आने दो आने दो, जो लड़का TVS 50 पर आया था उससे गाड़ी छीन कर उसे भगा दिया था। इस बार कार है और मजा आएगा। हाँ तो रख रख, कार आ रही है। पुजारी के घर का रास्ता किस तरफ से है? पास में ही एक मंदिर है, वहाँ से मुड़ जाना। अच्छा शुक्रिया। अरे मगर पुजारी के घर जाना क्यों है? उनकी लड़की को देखने आए हैं ना। पुजारी की लड़की?